एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो होने वाला है अमेज़न से ह्यूज मेकअप स्किन केयर एंड हेयर केयर हॉल। ये सभी वो प्रोडक्ट है जिन्हें मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे काफ़ी अच्छी क्वालिटी लगी, रिजल्ट काफ़ी अच्छे मिले, तो मैंने सोचा अगेन पिक करते हैं एंड आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन्हें मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखा था, तो मैंने सोचा यार परचेज करके देखते हैं। सभी हैं अफोर्डेबल प्राइस में और अगर आप इन्हें पिक करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक सिंगल लिंक भी मिल जाएगा माई वॉल स्टोर के नाम से, जस्ट आपको उस पर क्लिक करना है एंड वहाँ से आप इन्हें परचेज कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट एनी डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब जो फर्स्ट प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है बहुत ही ब्यूटीफुल एंड बहुत ही यूजफुल चीज़। ये है मेकअप पाउच फ्रॉम दी ब्रांड NFI Essentials एंड ये काफ़ी अच्छा मेकअप पाउच लग रहा था मुझे अफोर्डेबल प्राइस में, प्लस क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी थी, रेटिंग काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने परचेज कर लिया। ये आपको 3 का सेट देखने को मिल जाता है। इसमें आपको लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल का पूरा सेट देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो, पहले तो कलर आप देख लो कितना प्रिटी कलर है, और ये आजकल कलर भी है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी है। प्लस जिप की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, स्पेस काफ़ी अच्छा है और आप इजीली इसमें कुछ भी कैरी कर सकते हो, अपना करते हो तो आराम से आप कैरी कर सकते हो। उस अकॉर्डिंग मुझे 3 का सेट परफेक्ट लगा, क्योंकि अलग अलग परचेज करने से कोई मतलब नहीं है, एक साथ 3 का सेट पिक कर लिया वो ज़्यादा अफोर्डेबल भी रहा, प्लस यूजफुल भी है, क्वालिटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और ये वाला है ना सबसे लार्ज वाला, आपको ट्रांसपेरेंट देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, मैंने पिक किया है वो है हेयर केयर से रिलेटेड, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, वेदर की वजह से बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, तो उसके लिए मैंने पिक किया है ये मॉम सोपा नेचुरल प्रोटीन शैम्पू। एंड ऐसा नहीं है मैं इसे पहली बार यूज़ कर रही हूँ, मैं काफ़ी टाइम पहले इसे यूज़ करती थी एंड इससे रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, तो पर उस टाइम मैंने बंद कर दिया था बीच में यूज़ करना, मैं और कोई प्रोडक्ट यूज़ करने लग गई थी। तो फाइनली मैं अब फिर से इसी पे आ गई हूँ, क्योंकि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होने लग गया है। बहुत ही अच्छा सा एक नेचुरल शैम्पू है, इसमें आपको प्रोटीन मिलता है, इससे आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा काफ़ी हद तक, प्लस ये बालों को जो है वॉल्यूम देता है, शाइन देता है, उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड इसकी क्वालिटी वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी है, बिल्कुल नेचुरल है, इसमें आपको बिल्कुल भी जो है पैरामिन सल्फेट वगैरह नहीं मिलते हैं जो कि आपके बालों को हैश करें, तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये वाला, आप ट्राई करना। मॉम्सो के प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा नेचुरल आते हैं, मैं कंडीशनर भी काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, तो मैं इसे आपको तब रिकमेंड कर रही हूँ, तब मैंने इसे काफ़ी यूज़ कर लिया है एंड मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ है, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। एंड इस तरीके की आपको इसमें पम्प बोतल देखने को मिल जाती है एंड काफ़ी अच्छी क्वांटिटी आ जाती है, 200 ml इसमें आपको देखने को मिलेगा। और तो ये है जो नेक्स्ट मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है स्विस ब्यूटी की पर्ल ल्यूमिनेटर मेकअप बेस क्रीम, एंड मोस्टली सभी लोग इसे यूज़ करते होंगे क्योंकि ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है एंड ये बहुत ही अच्छा एंड काम का प्रोडक्ट है, क्योंकि अगर आपको कोई भी पार्टी में जाना है, कोई भी फंक्शन ज्वाइन करना है, अभी जैसे फेस्टिवल सारे लाइन अप है, तो आप इसे फाउंडेशन में मिक्स करके, या फिर मैं यूज़ करती हूँ लैक्मे सीसी क्रीम, उसमें मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी आपको एक शाइनिंग बेस देखने को मिल जाता है, आपके मतलब जो फेस है उस पर एकदम से ग्लो आ जाती है, तो पार्टी लुक के लिए ये वाला बेस्ट क्रीम है एंड ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। इसमें आपको 2 शेड देखने को मिल जाते हैं, गोल्डन पिंक एंड सिल्वर पिंक। मैं पिंक में काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आज भी मैंने यूज़ किया हुआ है, तो इससे आपके फेस पे ना एक बहुत ही अच्छा सा ग्लो आ जाता है, पर गोल्डन पिंक मुझे इतना अच्छा नहीं लगा जितना सिल्वर पिंक लगा, लेकिन उस टाइम सिल्वर पिंक अवेलेबल नहीं था तो मैंने गोल्डन पिंक ले लिया था, लेकिन फाइनली सिल्वर पिंक अवेलेबल है अभी अमेजोन पे, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। ये मस्ट बाय प्रोडक्ट है एंड काफ़ी अच्छा है। ये वो है नेल पेंट्स, क्योंकि नेल पेंट्स यार मुझे लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है एंड डेली यूट्यूब वीडियो के लिए भी चाहिए होती है, तो कुछ ऐसी नेल पेंट मुझे चाहिए होती है जो कि लॉन्ग लास्टिंग हो। है बैड कंपनी, आपने देखा होगा मैं काफ़ी टाइम से इस वाली नेल पेंट को यूज़ कर रही हूँ, इस वाले ब्रांड को यूज़ कर रही हूँ, क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, लॉन्ग लास्टिंग लगी, प्लस इसमें कलर्स आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएंगे, जो अभी न्यू कलर्स अब चल रहे हैं ना अभी ट्रेंड में, वो सारे कलर्स आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। लाइक ये बबल गम वाला कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है इसका ये वाला शेड, एंड ये वाला पीच वाला भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये वाला शेड, प्लस अभी मैंने ऑलरेडी ट्राई किया हुआ है, ये भी सेम ब्रांड से है एंड ये वाला लैवेंडर शेड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है इसका, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है ये वाली नेल पेंट्स की, लॉन्ग लास्टिंग है, प्लस मुझे अफोर्डेबल प्राइस में लग रही है, शायद 450 के अराउंड ये 3 का पैक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप सिंगल सिंगल परचेज करोगे ना तो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, लेकिन आप 3 का सेट परचेज करोगे तो
काफ़ी कम प्राइस में मिल जाएगा। तो इसको भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ कि आप एक बार शेड्स देखना बैड कंपनी के, आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे इसके शेड्स, तो डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। अब जो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है प्राइमर, एंड ये अब की बार मैंने ब्लू हेवन का प्राइमर लिया है। मैं ब्लू हेवन की मोस्टली चीज़ें बिल्कुल ट्राई नहीं करती हूँ क्योंकि ब्लू हेवन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ये वाला ब्रांड, लेकिन इसकी जो है रेटिंग काफ़ी अच्छी थी, तो मैंने सोचा यार अब की बार लेके देखती हूँ कैसा आता है ये वाला प्राइमर। एंड मेरी है ऑयली स्किन, तो उसके लिए ये वाला बेस्ट प्राइमर है, ऑयल फ्री है ये वाला प्राइमर, एंड ये आपको जेल बेस में ही देखने को मिल जाता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड प्राइमर ही यूज़ करो, एंड क्रीम बेस मत करो क्योंकि वो ऑलरेडी क्रीमी होते हैं, एंड जेल बेस्ड प्राइमर ठीक रहते हैं ऑयली स्किन के लिए। तो उस अकॉर्डिंग मैंने ये वाला प्राइमर यूज़ किया लिया है अब की बार, एंड ये आपके ओपन पोर्स को फिलअप कर देता है जिससे आपको बहुत जल्दी स्वेट नहीं आते हैं, आपके मेकअप है जो बिल्कुल काला नहीं होता है, लॉन्ग लास्टिंग चलता है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने इसे लिया है, देखते हैं कैसा निकलता है। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूंगी कि इसको लगवाने के बाद मुझे कैसा लगा एंड कैसा रहा एक्सपीरियंस। फाइनली तो मैंने इसे ले लिया है काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, एक अच्छा प्राइमर दिख रहा था, मुझे रेटिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है। अब जो नेक्स्ट मैंने लिया है वो है ग्लो पिंक का D10 स्क्रीन ब्राइटनिंग फेस पैक, एंड ये भी मैं फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स की वीडियो में इसे देखा था, एंड ये काफ़ी अच्छा एक क्ले फेस पैक है, एंड ऑयली स्किन वालों के लिए काफ़ी अच्छा है ये वाला। इस तरीके की पैकेजिंग देखने को मिल जाती है और ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, मिड रेंज में है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे ठीक लगा। एंड अभी मैंने इसे यूज़ नहीं किया है, इसका रिव्यू भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि कैसा रहा अगर मैं अगेन पिक करती हूँ इसे तो। एंड ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आपको देखने को मिल जाता है, ग्लास की बोतल है, एंड इसमें आपको कुछ इस तरीके का क्ले फेस पैक देखने को मिलेगा। 250 ग्राम की इस तरीके की बोतल देखने को मिल जाती है ग्लास की, एंड काफ़ी अच्छी पैकेजिंग है, रॉयल सी लगी मुझे, सिल्वर कलर का आपको इसमें ऊपर से लिड देखने को मिल जाएगा। मैन एंड वुमेन दोनों इसे यूज कर सकते हैं, एंड ये आपके टैन को रिमूव कर देता है, ऑयल फ्री स्किन मिलती है आपको, एक्ने फ्री स्किन मिलती है, एंड फेयरनेस, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा ये वाला भी। एंड आप ट्राई कर सकते हो इसे भी, और ट्राई करने के बाद बताऊँगी कैसा रहा। बाकी क्ले फेस पैक है, रेटिंग काफ़ी अच्छी है, एंड काफ़ी लोग इसे यूज़ कर रहे हैं अभी, तो उस अकॉर्डिंग मैंने पिक कर लिया। नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है मेबेलिन न्यूयॉर्क का ये लैश लिफ्ट मस्कारा, एंड कुछ इस तरीके की आपको ये वाली पैकेजिंग देखने को मिलती है। फर्स्ट टाइम मैं इसे ट्राई कर रही हूँ, एंड इसके रिव्यू काफ़ी अच्छे थे, तो उस अकॉर्डिंग मैंने ले लिया। ये वाटरप्रूफ है, लॉन्ग लास्टिंग है, एंड आप ट्राई कर सकते हो, इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसको इसकी भी रेटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, और मैं जितनी भी मस्कारा एंड आईलाइनर लेती हूँ मोस्टली सारे मेबेलिन न्यूयॉर्क के होते हैं क्योंकि इनकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, प्लस मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी, प्लस अफोर्डेबल प्राइस में भी मिल जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो ये है जो नेक्स्ट मैंने लिया है। अब जो नेक्स्ट मैंने लिया है वो है ये पेन आईलाइनर फ्रॉम दी ब्रांड मेबेलिन न्यूयॉर्क, एंड इसकी मैं ये थर्ड पेन ले रही हूँ क्योंकि मैं दो ऑलरेडी मेरे पास है और मैं उन्हें यूज़ कर रही हूँ। काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है, एंड इजीली आप इससे आईलाइनर क्रिएट कर सकते हो। ये बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आईलाइनर क्रिएट करने में प्रॉब्लम आती है, नहीं होता, उनसे आईलाइनर नहीं लगाया जाता है। मैं लिक्विड एंड दो ये वाला पेन आईलाइनर दोनों इजीली यूज़ कर सकती हूँ। पहले मैं लिक्विड यूज़ करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल जब से मैंने ये वाला पेन आईलाइनर यूज़ किया है, मैंने उससे पहले भी काफ़ी सारे पेन आईलाइनर यूज़ किया, लेकिन उनको यूज़ करने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो अगर आप बिगनर्स हो ना और मेकअप करना चाहते हो और आपको आईलाइनर लगाने में प्रॉब्लम आती है, तो डेफिनेटली इस वाले आईलाइनर को ट्राई कर सकते हो। एक तो काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, एक पेन अगर आप डेली भी लगाते हो ना तो भी आपके 3 या 4 मंथ से ऊपर इजीली चल जाता है अगर आप डेली मेकअप करते हो और डेली लगाते हो, क्योंकि मुझे डेली मेकअप करना पड़ता है, मैं यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ, तो भी आपके आराम से ईजिली चल जाता है। तो उस अकॉर्डिंग मैं इसको भी आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ, काफ़ी अच्छी चीज़ है ये भी, तो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। तो नेक्स्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है लोरियल पेरिस का ये टिश्यू शीट मास्क, एंड ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा आता है, एंड काफ़ी अच्छे रिव्यू है इसके। मैं इसे काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ, ऑलरेडी 2 या 3 मैं कर चुकी हूँ यूज़, एंड काफ़ी अच्छे लगे मुझे। इससे आपको स्किन से आपकी काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो जाती है, एकदम से आपको ग्लो मिलती है फेस पे, एंड अगर आपको बाहर जाना है, कोई भी फंक्शन पार्टी कुछ भी अटेंड करना है, आप इसे ट्राई कर सकते हो, आपको एकदम से ग्लोइंग स्किन मिलेगी, एंड इसके रिजल्ट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा कॉस्टली जरूर लग रहा था, लेकिन अब जब 2 या 3 मैं यूज़ कर चुकी हूँ तो रिजल्ट काफ़ी अच्छे रहे इसके। एंड ये टिश्यू
मास्क है, इसमें आपको मास्क सेपरेट देखने को मिलता है, सीरम सेपरेट देखने को मिलता है। सीरम को आपको इसमें ट्रांसफर करना होता है, जो आप फोल्ड करेंगे तब आप ट्रांसफर कर सकते हैं। एंड अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसका पूरा प्रोसेस शेयर किया हुआ है, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ईजिली ट्रांसफर हो जाता है। जस्ट आपको फिर इसे अप्लाई करना है अपने फेस पे 15 मिनट, एंड देन आपको एकदम से ग्लोइंग स्किन मिल जाएगी। बहुत सारे शीट मास्क यूज किए हैं जो काफी ज्यादा छोटे रहते हैं, यहाँ से कवर नहीं होता है, यहाँ से कवर नहीं होता है, लेकिन ये इजीली आपके पूरे फेस को कवर कर लेता है। काफी बड़ा शीट मास्क आता है, तो उस अकॉर्डिंग मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब जो नेक्स्ट मैंने पिक किया है वो है मिनी सोका, ये वाला परफ्यूम डेजल EAUDE परफ्यूम। ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था मुझे, इसकी ना रेटिंग काफी अच्छी थी। और अगर आप अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छी फ्रेग्रेंस में और परफ्यूम ट्राई करना चाहते हैं तो आप मिनीसो को ट्राई कर सकते हो। मिनीसो के परफ्यूम भी काफी ज्यादा अच्छे आते हैं। ऑलरेडी मेरे पास 3 या 4 परफ्यूम है, एंड ये वाला भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था क्योंकि रेटिंग के अकॉर्डिंग ये काफी अच्छा था। इसमें आपको 2 फ्रेग्रेंस देखने को मिल जाएगी और बोतल आप देख सकते हो कितनी ज्यादा रॉयल है। प्लस सबसे अच्छी बात है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये पूरी है, जो ग्लास की बोतल आपको देखने को मिल जाएगी इस तरीके की, कि जो क्वांटिटी है वो भी काफी ज्यादा सही है। तो उस अकॉर्डिंग मैं इसको भी आपको हाईली रिकमेंड करूंगी, एक बार आप ट्राई करना, आपको फ्रेग्रेंस काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। जो नेक्स्ट और लास्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है एलिटिंग की कलर पॉप मैट लिपस्टिक। काफी ज्यादा अच्छी लिपस्टिक है अफोर्डेबल प्राइस में। मैं रखती हूँ लिक्विड लिपस्टिक, लेकिन मैट में अगर आप कोई अफोर्डेबल प्राइस में एक लिपस्टिक ढूंढ रहे हैं तो डेफिनेटली एलिटिंग की ट्राई कर सकते हैं। एंड ये एलिटिंग की आप समर्स में ट्राई मत करो, क्योंकि समर्स में अगर जैसे ही आप इसे यूज करोगे ना ये मैट हो जाती है और एकदम से टूट जाती है। पर अभी आ रही है विंटर्स, तो आप इससे ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको काफी सारे शेड्स देखने को मिल जाएगी। और जो मैंने शेड पिक किया है वो है B43, एंड ये काफी ज्यादा डार्क ब्राउन शेड है। तो अगर आप इस तरीके के शेड्स देना चाहते हो ट्राई कर सकते हो, अफोर्डेबल प्राइस में मे बी 75-80 के आसपास आपको ये वाली लिपस्टिक देखने को मिल जाती है। अगर आप डेली यूज वगैरह के लिए लेना चाहते हो तो एलिटिंग को ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा ब्रांड आता है। तो मैं भी इसे काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, ये वाला शेड मुझे एलिटिंग का काफी ज्यादा अच्छा लगता है। मेरे पास बिल्कुल ही खत्म हो गया था तो मैंने अगेन पिक कर लिया। तो ये है जो नेक्स्ट और लास्ट मैंने पिक किया है। तो गाइस आई होप आपको आज का ये छोटा सा ब्यूटी एंड मेकअप हॉल पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया और आपके लिए हेल्पफुल रहा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो चलिए अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।